अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका रब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम औरतों के कुछ मसाइल के बारे में बात करने वाले हैं और एक ज़बरदस्त मेडिसिन का जिक्र करने वाली हैं जो औरतों के बहुत सारे जो अमराज हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम हैं उनका वो अहाता करती है। तो उस मेडिसिन का नाम है लिट्रिस फारिनोसा। ये मेडिसिन जो है ये ऐसी ख्वातीन के लिए इस्तेमाल होती है जो असाबी तौर पे बहुत ज़्यादा वीक हों, जो ज़ोफ़े असाब का मसला जिनको हो, जिनके असाब कमज़ोर हो चुके हों और उनको एमिनोरिया का मसला हो, उनको मेंसेस कम आते हों, देर से आते हों, उनमें मेंसेस में रुकावट हो, बंदिश हैज़ का मसला उनको हो और इस दौरान उनको लेबर लाइक पेन होती है, ठीक है, और उनको ऐसा फील होता है जैसे उनका रहम जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, उसमें ब्रीथिंग डाउन सेंसेशन होती है, ऐसे लगता है जैसे रहम बाहर आ रहा है। तो इसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है वो मेनोरेजिया के लिए भी इस्तेमाल होती है। मेनोरेजिया जो है ये होता है कि एक 7 दिन से ज़्यादा दिनों तक अगर मेंसेस आएँ, हैवी ब्लीडिंग होती हो, मेंसेस ज़्यादा आते हों, रुक ना रहे हों, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो है इस्तेमाल होती है। आपने देखा यहाँ ये अपोजिट सिम्टम के लिए, अगर मेंसेस नहीं आ रहे, उनमें रुकावट है तो फिर भी ये लिट्रिस फारिनोसा काम करती है, और अगर मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक आ रहे हैं, तो फिर भी लिट्रिस फारिनोसा जो है वो बहुत अच्छा रोल अदा करती है उन ख्वातीन के लिए जो असाबी कमज़ोरी का शिकार हों, ठीक है। फिर इसमें ये होता है कि ओवरीज़ के अंदर और यूट्रस के अंदर ब्लड कंजेशन होती है, ये ब्लड कंजेशन जो है इसके वजह से मरीज़ा को रहम के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, ब्रीथिंग डाउन सेंसेशन महसूस होती है, उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसका रहम जो है वो नीचे गिर जाएगा, लटका हुआ महसूस होता है, और उसमें लेबर लाइक पेन होती है, शदीद दर्दें होती हैं। नाज़रीन, इसी कमज़ोरी की वजह से, इसी असाबी वीकनेस की वजह से बाज़ औरतों के अंदर बांझपन का मसला, स्टेरिलिटी का मसला पैदा हो जाता है। अगर बांझपन जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से, मेंसेस ज़्यादा आने की वजह से हो और उसमें असाबी कमज़ोरी भी हो, तो लिट्रिस फारिनोसा बहुत अच्छा काम करती है और अक्सर ख़वातीन का स्टेरिलिटी का मसला, बांझपन का मसला जो है वो ठीक हो जाता है। फिर इसमें हैबिचुअल वार्शन होती है, चूँकि बार बार मैं एक बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इसका जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है असाबी वीकनेस। कमज़ोर ख़वातीन जो होती हैं उनके रहम की कमज़ोरी की वजह से उनके अंदर बार बार उनको वार्शन हो जाती है, किसी को दूसरे महीने, किसी को तीसरे महीने, और वो हैबिचुअल वार्शन होती है जिसको अठारह वगैरह का मसला आप कह सकते हैं। इसी तरह इस कमज़ोरी की वजह से, असाबी कमज़ोरी की वजह से ख़वातीन जो हैं वो लकोरिया का शिकार हो जाती हैं, उनको जो है वो लकोरिया आना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसी ख़वातीन जो हैं वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो असाबी वीकनेस की वजह से उनके पेट के अंदर दर्द होता है और उनको जो है फॉल्स पेन्स होती हैं, ठीक है ना, जिनको झूठी दर्दें आप कहती हैं, और ऐसा लगता है जैसे नीचे बोझ पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, ये लिट्रिस फारिनोसा जो है वो ख़वातीन की एक ज़बरदस्त मेडिसन है। अगर इसको सिम्टम सिमिलैरिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, अगर इसको अलामात की मुशाबत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और होम्योपैथी के फंडामेंटल लाज हैं उनको सामने रखकर उनके मुताबिक अगर इस मेडिसन को यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। अस्सलाम वालेकुम।